गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, रीडेकोरेशन और अनबॉक्सिंग्स। और आज हम करने वाले हैं कुछ ऑसम सी चीज़ों की अनबॉक्सिंग, मतलब मांगा की भी हम करने वाले हैं, बट एक और ऑसम चीज़ है हम जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस गाइस, दिस इज़ द पार्सल टुडे। अभी हम जो फर्स्ट पार्सल जो अनबॉक्स करने वाले हैं वो ये है, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स डू दिस अनबॉक्सिंग, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो चलो जल्दी जल्दी से पहले इसकी अनपैकिंग करते हैं, और जब ये चीज़ बाहर आएगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ है क्या। ओ माय गॉड। सो ये है एक एनाइम मिस्ट्री पैक, और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। सो दिस इज़ एनाइम मिस्ट्री पैक, केपॉप एनाइम मार्ट डॉट पी के से मैंने ये ऑर्डर किया है, मतलब दरास में ये जो स्टोर है ये इंस्टा पे भी आपको मिल जाएगा, केपॉप एनाइम मार्ट डॉट पी के। सो यस, इसमें हमें बहुत सारी एनाइम्स की चॉइसेस मिलती हैं। सो इसमें से हम एक को चूज़ कर सकते हैं। सो मैंने चूज़ की है, आप लोग सोच रहे होंगे वन पीस, बट नो यार, वन पीस उनके पास अवेलेबल नहीं था। सो मैंने किसी और एनाइम पर चूज़ किया, और वो जब मैं ओपन करूँगी तब आपको नज़र आएगा। यहाँ पे सारे जो एनाइम्स हैं उनके लोगोस हैं। सो चलो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। ये जिसका स्टिकर है हमने फर्स्टली इसे पील ऑफ करना है। ये हमें पड़ता है 650 के अराउंड। ओके सो अभी हम इसको करते हैं ओपन। वैसे ये 400 का है, बट डिलीवरी चार्जेस प्लस करके 650 का। ओके सो ये ओपन हो चुका है। अभी मैं कैमरा को वैसे रख रही हूँ जैसे आपको सही से नज़र आए। ओके गुड। सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। ओ माई गॉड, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। सबसे पहले क्या निकालूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है। Oh my God, ये कितना क्यूट है। सो दिस इज अ स्पाइक्स फैमिली पोस्टर। सो हम इस पोस्टर को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी क्यूट 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 पोस्टर ऑफ स्पाइक्स फैमिली। सो आपको भी पता चल गया होगा मैंने स्पाइक्स फैमिली का ऑर्डर किया है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव विज दिस क्यूट लिटल पोस्टर। एंड यस, सो अभी हम दूसरी चीज़ों को निकालते हैं। ओके सो व्हाट इज दिस। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ स्पाइक्स फैमिली मेमो पैड। सो बेसिकली हम इस पर चीज़ें वगैरह लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ मेमो पैड फॉर अस। और यहाँ पे कितने क्यूट क्यूट हैं, यहाँ पे ऐसे चिबी में स्पाइक्स फैमिली बना हुए। ओ माई गॉड, सो क्यूट। मुझे तो अभी से ये वर्थ मनी लग रहा है। सो ये दोनों चीज़ों को हम अभी साइड पे रख रहे हैं। और ओके ओ माई गॉड, दिस इज़ अ बुक मार्क। ओ माई गॉड, इस पर लॉयड है स्पाइक्स फैमिली का। सो माई गॉड, दिस इज़ सो 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 क्यूट। लाइक इसको मैं अपना एनआईएम का मर्च कंसिडर कर सकती हूँ। सो यस, दिस इज़ सो सो क्यूट। एंड वाओ, वी हैव सम मिनी मिनी क्यूट क्यूट थिंग्स। एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ अ क्यूट लिटल बैज। लुक एट दिस, दिस इज़ अ क्यूट लिटल बैज ऑफ स्पाइक्स फैमिली। ओ माई गॉड, आई लव इट। आप भी देख सकते हैं। सो यस, अभी हम दूसरी चीज़ को निकालते हैं। इसके अंदर जो है वाओ, यहाँ पे बहुत सारी मिनी मिनी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो कितनी सारी मिनी मिनी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो ये चीज़ें अभी मैंने निकाली हैं, और अभी हम दूसरी निकालते हैं। ओके सो यस, ओके दिस इज अ कार्ड। मतलब ये जैसे पोलराइड कार्ड्स होते हैं ना, वैसा एक कार्ड है हमें मिला है लॉर्ड फॉर्जर का। ओ माय गॉड, कितना क्यूट है ये। ओके और हमारे पास क्या है। ओके ये योर फॉर्जर का भी हमें एक कार्ड मिल चुका है। सो लुक एट दिस, लॉयड फॉर्जर एंड योर फॉर्जर। ओके ओके, ये हमें आनिया का एक छोटा सा पोलराइड भी मिला है यहाँ पे। ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। सो मतलब ये पूरी फैमिली के हमें कार्ड मिले हैं, बट दो वैसे वाले कार्ड है, एक पोलराइड है। सो मुझे बेसिकली पोलराइड बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। ओ माय गॉड, एक और पोलराइड कार्ड, और ये भी स्पाइक्स फैमिली का। इसमें तीनों कैरेक्टर्स हैं, मतलब लॉयड, योर और आनिया। ओ माय गॉड, इट्स सो क्यूट।
और इसमें से इतनी सारी चीज़ें निकलनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दिस इज़ द क्यूट लिटिल स्टिकर, और हम इसे कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं, सो सो क्यूट। और इसके बाद क्या है यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी बहुत क्यूट है। यहाँ पर है आन्या एंड ओ माय गॉड, यहाँ पर एक योर का छोटा सा स्टिकर है एंड एंड वी हैव द स्पाइस फैमिली स्टिकर। ओ माय गॉड गाइस, सो दिस इज़ द क्यूट स्पाइस फैमिली स्टिकर एंड ओके इट्स द लास्ट थिंग, द स्पाइस फैमिली स्टिकर एंड या द एलाइन पैक इज टैंकी। सो लेट्स काउंट हाउ मेनी थिंग्स वी हैव इन दिस पैक एंड देन वी विल डिसाइड इट इज़ वर्थ मनी और नॉट। Okay, so this is 1, 2, and 3, and it's the fourth one, it's the cutest thing. 4, 5, 6, this is the cutest 6, and then 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 things जो हमें मिली है, इतनी cute cute सी, वो हमें only मिली है 650 के around, okay? और ये थी इस वाले cute से NIM pack में, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। So yes, ये है हमारी जो सारी चीज़ें हमें इस cute से NIM pack में मिली, हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। तो यस, ये चीज़ें हमें मिली हैं इस क्यूट से एनआईएम पैक में, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ ये चीज़ें देखकर, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि एनआईएम के मर्च भी थोड़े बहुत ना कलेक्ट करना शुरू कर दूँ। सो मुझे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैं इनमें से जो भी सारे एनआईएम है मैं किसी का भी मंगवा सकती हूँ। मैंने उनको बोला है कि वो वन पीस का जब रीस्टॉक करेंगे तो मुझे बताएंगी, मतलब आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हो ईजिली, अगर आपके पास दराज नहीं है तो आप इंस्टा से भी ऑर्डर कर सकते हो। सो यस, दिस इज़ सो क्यूट, और अभी हम इस बैच को भी ओपन करते हैं, मैंने इसको ओपन नहीं किया। Oh, let's open this cute little badge. Oh my god, एक हाथ से ओपन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये पिन बैच है, सो यस, मैं इसे कपड़ों पर भी पिन कर सकती हूँ और अपने बैग पर भी पिन कर सकती हूँ। ओके, सो हम इसके जो पीछे वाला कार्ड है उसको भी एज अ कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वाओ, ये कितना क्यूट है। यहाँ पर इनका पेज का नेम लिखा हुआ है, वेट, इंस्टा का जो उनका पेज है पाकिस्तान, नहीं क्या है, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान kepo9.com। तो यस, और इसके बाद है हमें यहाँ पर मिला है ये क्यूट सा बैच, ये कितना क्यूट है। वाओ लाइक वाओ यार, कितना प्यारी चीज़ें हमें मिली हैं ओनली 650 में। सो यस, दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम मी एंड दिस इज अ वर्थ मनी थिंग, मतलब जितने पैसे आप इस पर स्पेंड कर देना उतने की ये चीज़ें आती भी नहीं है। सो यस, फॉर मी इट्स वर्थ मनी। और ये हम जो है ना अपनी जो शेल्फ है उसके वाले जो टॉप पे है ना, वहाँ पर ये एनआई मर्ड्स वगैरह अपने रखेंगे। सो यस, अभी इसके बाद हम करेंगे मांगा की अनबॉक्सिंग, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये अभी मैंने जैसे बोला था, अभी हम करने वाले हैं दो मांगास की अनबॉक्सिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ओके, इस वाले पैकेज की करते हैं, अभी दो पैकेज हैं हमारे पास मांगास के, सो अब इसको जल्दी जल्दी से ओपन करते हैं। और यस, मुझे तो पता चल गया कलर देख के इसके अंदर कौन सी बुक है। सो यस, इसके अंदर है हमारी स्पाइक फैमिली का वॉल्यूम 2, और ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो कवर है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। वाओ, दिट्स सो क्यूट, इसका प्रिंट क्वालिटी भी ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आई जस्ट लव इट। ओके, नो मिस प्रिंट, इसमें कुछ भी मिस प्रिंट नहीं है, इट्स ऑल फाइन फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड द स्पाई एंड द प्रिंट, एवरी थिंग्स ओके। और यस, इसके साथ हमें मिला है एक फ्री बुक मार्क। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट मांगा, और अभी हम करते हैं सेकेंड मांगा की अनबॉक्सिंग। बेसिकली इसको अनपैकिंग कहते हैं क्योंकि ये पैकेज से खुल रहा है, मतलब बॉक्स से नहीं खुला, सो वी विल कॉल इट अनपैकिंग। सो जल्दी जल्दी से इसको अनपैक करते हैं। ओके, सो वी हैव वन पीस वॉल्यूम 13। यस, क्योंकि मुझे वन पीस पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा था, मैंने 12 वॉल्यूम के बाद कोई और वॉल्यूम नहीं लिया था, दैट्स व्हाई। इसका बैक कवर इतना ज़्यादा क्यूट है ना, इतना ज़्यादा क्यूट है, आई जस्ट लव इट, और प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। और मैं अभी 100 चैप्टर्स क्रॉस कर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मैं इसका एनआईएम भी साइड में इंजॉय कर रही हूँ। सो यस, दीज ऑल पैकेजेस आर एम्प्टी। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेरी जो योर नेम वाली नॉवल है वो मुझे वापस मिल चुकी है, जिस फ्रेंड ने बोरो की थी वहाँ से मुझे वापस आ चुकी है, और इसकी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन है। सो मीन्स अभी मेरे पास 3 न्यू बुक्स हैं रीड करने के लिए, बिकॉज यूर ने मैंने ऑर्डर की थी तो उसके बाद मैंने रीड नहीं की। सो यस गाइस, और अभी चलते हैं हमारी शेल्फ की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर मेरी सारी जो प्रिंट्स मैंने निकलवाई हैं शेल्फ के लिए वो मेरी आ चुकी हैं। सो अभी मैं आपको वन बाय वन अपनी प्रिंट्स शो कराती हूँ। सो फर्स्ट है ये प्रिंट, और इसमें ये एक कवाई फेस है अकाशुकी, और ये वन पीस की शिप है, यहाँ पर छोटा सा पोलरॉइड कार्ड है, ये पूरा नारुतो स्क्वाड है, यहाँ पर है इटाची,
ये है हमारे काकाशी नारुतो वेदरिंग विथ यू का है, ये भी वेदरिंग विथ यू का है, और ये जो चेंसो मैन की हिमिनो है ओके। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास सारे वांटेड पोस्टर्स मैंने प्रिंट करवाए। सो यहाँ पर वांटेड पोस्टर एस का है, लूफी का, चॉपर का, मदारा उचिहा, कमांडो तंजीरो का है, जोरो का है, रॉबिन का है, सांजी का, ये ब्लू का भी है, नामी का भी है ओके। सो उसके बाद मैंने ये थोड़े से मांगा पैनल्स प्रिंट करवाए हैं, इनसे मैं अपनी शेल्फ पे लगाऊंगी। सो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। सो यस, मैंने ये दो मांगा पैनल्स, ये मैंने खुद कस्टमाइज करे हैं और फिर मैंने ये प्रिंट करवाए। और उसके बाद ये चेंसो मैन का है, वो इसका नाम क्या था, डेंजी पावर मकीमा, और ये भी डेंजी है, ये पावर है, ये सुकुना है हमारा जुजुत्सु कैसिन का, ये जुजुत्सु कैसिन का लोगो, ये उसके मेंबर्स, ये है गोजो द कैट, और यहाँ पर ऐसे मैंने छोटे छोटे से प्रिंट करवाए हैं। और उसके बाद ये मैंने प्रिंट कराई हैं, इनसे मैं बताऊँगी अपनी बुक मार्क्स। सो यस, हम इनको कट करेंगे, फिर कार्डबोर्ड पर चिपकाएंगे और हमारी बुक मार्क्स बन जाएंगी। सो यस, इनको इसको तो हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्टली ये जो हमने प्रिंट्स करवाई हैं, इन सारी प्रिंट्स को हम कटआउट करते हैं, बाकी हम मांगा पैनल्स को कटआउट नहीं करेंगे, इनको जैसे हम सीधा अपनी शेल्फ पे स्टिक करेंगे। जल्दी से ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कट करते हैं और आपसे मिलूंगी इनको कट करने के बाद। तो गाइस, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं मैंने सबको कट कर लिया है, और सबसे जो टाइम टेकिंग और जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो होता है कटिंग का, क्योंकि कटिंग एक चीज़ को ब्यूटीफुल भी बना सकती है और गंदा भी बना सकती है अगर थोड़ा गलत कट जाए तो। सो दैट्स वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर मैंने अपनी जो बुक मार्क्स हैं उनको भी कट कर लिया है, और इनको हम लास्ट में एंड में बनाएंगे। सो इनको मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। सो यस, यहाँ पर हमारे पास सारी कटिंग्स आ चुकी हैं, और यहाँ पर है मेरी पिछली वाली जो मेरी कटिंग्स थी वो सही है, और यहाँ पर हैं सारे वांटेड पोस्टर्स जिनको मैंने कटआउट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी कटआउट कर लिया है। और यस, यहाँ पर है हमारे मांगा पैनल्स, इनको बाहर निकालते हैं। सो यस, यहाँ पर है हमारे मांगा पैनल्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इनको एक साइड पर करती हूँ, इसमें रख देते हैं इन सारी चीज़ों को, जल्दी जल्दी से रखते हैं। सो गाइस, मैंने सबको एक पैक में डाल दिया है, जैसे ये सारी चीज़ें ना सेफ रहें और इधर उधर ना हो। सो यस, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कटते हैं इस जो पूरी शेल्फ है, हम इसको पहले कटते हैं एम्प्टी। सो यस, अभी हमारी पूरी शेल्फ एम्प्टी हो चुकी है, और ये है मेरी बुक्स जो कि मैंने साइड पे कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगी ये दोनों मांगा पैनल्स, और सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मांगा पैनल्स मतलब कहाँ पर फिट हो रहे हैं। सो यस, ये मांगा पैनल यहाँ पर कम्प्लीटली फिट हो गया है, और अभी फिक्र ना करें तो इसके वाइट एंड्स हैं, इन पर भी हम कुछ पेस्ट कर देंगे, सो ये ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, इट्स ओके। सो यस, बेसिकली जो बात है वो ये है कि हमारे मांगा पैनल एक तो यहाँ पर फिट हो रहा है, और अगर हम सेकंड की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे जो मांगा पैनल है, और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें स्टिक करनी है। सो यस, ये भी कम्प्लीटली फिट हुआ है। इसी कौन सा वाला ऊपर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया डिस्प्ले कर रहा है, आई थिंक सो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओके। सो हम ये वाला ऊपर पेस्ट करेंगे, और नीचे मैं आपसे मिलती हूँ इनको पेस्ट करने। मैंने यहाँ पे मांगा के पैनल्स पेस्ट कर दिए, और ये वाली स्पेस मैंने खुद छोड़ी है, क्योंकि जो मेरी बुक्स आ रही हैं मैं आपको एक मिनट चेक करवा देती हूँ। सो मेरा वो मांगा पैनल विजिबल नहीं होगा बुक्स रखने की वजह से, डेट्स वाई मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया, जैसे यहाँ से मांगा पैनल विजिबल हो, डेट्स वाई हम यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स हैं हमारे पास, वो पेस्ट करेंगे, पता नहीं चलेगा यहाँ पर कुछ खाली जगह थी या नहीं। सो यस, अभी मैंने मांगा पैनल्स लगा दिए, और अभी बारी है स्टिकर्स की। सो यहाँ पर हैं हमारे सारे स्टिकर्स, तो वन बाय वन के सबको ऐसे ही निकाल लेते हैं ओके। सो अभी हमने बस डिसाइड करना है कि कौन से स्टिकर्स नीचे आएंगे, कौन से स्टिकर्स ऊपर आएंगे, एंड ये वांटेड पोस्टर्स भी हैं मेरे पास बहुत सारे, सो वो मैं कहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस टिकिंग होने वाले हैं। सो ये हमारे पास वांटेड पोस्टर्स हैं, कुछ नारुतो के स्टिकर्स हैं, कुछ वन पीस के हैं, वन पीस का ये बड़ा सा शिप है, और मैं इसकी जगह सोच रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर अच्छा लगेगा, और इनके बिटवीन में लगाऊँ ऐसे, और यहाँ पर ही लगा दूँगी अगर मैं नीचे वाले पोर्शन में लगाऊँगी तो विजिबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पर लगा दूँ, हाउ डू यू थिंक, क्योंकि मांगा पैनल्स तो वैसे भी मतलब कवर हो ही जाएंगे स्टिकर्स वगैरह लगाकर। सो आई थिंक सो मैं यहाँ पर लगाती हूँ, और जो ये वाली साइड्स है मैं यहाँ पर वांटेड पोस्टर्स लगा दूँगी, कैसा लगा आपको मेरा आइडिया ओके। सबसे पहले हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पर हम ये लगा देंगे और देखते हैं ये यहाँ पर कैसे लगेंगे ओके। वांटेड पोस्टर्स ओके लग रहे हैं, सो हम सारे वांटेड पोस्टर्स को ले लेते हैं यहाँ पर। गाइस, अभी मैं सोच रही हूँ मुझे जो जहाँ पर समझ में आ रहा है मैं अभी के लिए लगा रही हूँ, सो दैट्स वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, सो ऐसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो जब मैं एक पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी या फिर शेल्फ में पूरे स्टिकर्स वगैरह जो हैं ये सारे स्टिकर्स मैं जब लगा लूँगी ना शेल्फ में, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा शेल्फ अभी कैसे लग रहा है। सो तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो बंद कर रही हूँ। मेरी शेल्फ रेडी हो चुकी है, क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? सो 3 2 1 गो तारा। सो दिस इज़ माई शेल्फ, लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश लाइट ओके। सो मैंने जो वांटेड पोस्टर्स है जैसे मैंने कहा था यहाँ पर और यहाँ पर लगाए हैं, और यहाँ पे अकाशुकी का लोगो भी लगाया है,
और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लगाई हैं, और यहाँ पर एक आनिया लगाई है छोटी सी, और यहाँ पर मकीमा, नरूटो और ऊपर एक वांटेड पोस्टर। ओके सो ये नीचे का पार्ट है, इस वाली साइड पे मैंने ये लगाई हैं और इस वाली साइड पर भी, और ये जो है हमारा फाइनल शेल्फ बन के रेडी हो चुका है। ओके और मैं आपको बताऊँ, मैंने ये बुक मार्क्स भी रेडी कर, तो देखें आप पीछे मैंने कार्डबोर्ड स्टिक कर लिया, और ये बुक मार्क्स भी मेरी रेडी हो चुकी है सारी की सारी। ओके सो ये मेरी सारी बुक मार्क्स, ये मेरा टिश्यू, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आई में एलर्जी हो रही थी, मैंने ये ग्लू वगैरह यूज़ किया, दैट्स व्हाई टिश्यू पड़ा हुआ यहाँ पे। सो यस अभी हम करेंगे क्या कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्टली मैं अपनी सारी बुक मार्क्स में डालती हूँ, सो अभी हम सारी बुक मार्क्स को डालते हैं। सो सबसे पहले ये वाली रखूंगी मैं यहाँ पर, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और उसके बाद ये वाली भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, और उसके बाद ये नूरेश की फेवरेट बुक मार्क यूनिफॉर्म वाली, और ये कैट वाली रीड वालों नाम रीडिंग, और स्लीपिक्स गुड बट बुक्स ऑफ बेटर ये मेरी टाइप की है, एंड उसके बाद ये फिर से एन एम आइस वाली है, और उसके बाद ये एक और ये लास्ट। ओके सो मैंने सोचा है कि हम सबसे पहले जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम करेंगे रीऑर्गेनाइज। सो फर्स्टली तो हमारा जाएगा ये मग जिसके अंदर हमारी बुक मार्क्स पड़ी हैं, एंड उसके बाद क्या आएगा गाइस, आपने गेस कर लिया है। सो यस एन एम मिस्ट्री पैक, और अभी हम इसको सारा यहाँ पे सेट करने वाले हैं। सो चलो अभी इसके सारी चीज़ें निकालेंगे, और एन एम मच है सो हम इसको ऊपर डेकोरेट करेंगे। ओके सो इस सारे सामान को मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर निकालती हूँ, लाइक दिस इज माई होल एन आई मार्क। सो अभी मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल ली हैं, सो अभी मैं इनको सेट करने वाली हूँ ऊपर की साइड। सबसे पहले मैं सबको थोड़ा सा ना कर देती हूँ अलग अलग, जैसे पता हो कि क्या क्या चीज़ें रखनी है। सो गाइस मैंने इनको ऐसे रख दिया है, और अभी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारा जो ये बुक मार्क है हम इसको रखेंगे यहाँ पर। सो या फिर हम इसको रख सकते हैं ऐसे करके थोड़ा सा पीछे करके, क्योंकि यस ऐसे सही बुक मार्क हमारा आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद है हमारा ये जो पोस्टर, मैं इस पोस्टर को पेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इसको एज अ मर्च यूज़ करना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैं इस पोस्टर को हम रखते थे यहाँ पर ऐसे। ओके सो उसके बाद हाँ ये जो हमारा मेमो पैड है हम इसको रख देते हैं यहाँ पर ऐसे, और यस उसके बाद हमारा जो बैज है बैज उसको हम रख देते हैं यहाँ पर, ये सी क्यूट लग रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम रखेंगे योर फोर्जर को यहाँ पे, और लॉइट फोर्जर को यहाँ पे, यस अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आनिया फोर्जर को इनके बीच में रख देते हैं, तो यस इट्स लुकिंग काइंड ऑफ क्यूट। और उसके बाद हम यहाँ पर ये छोटा सा पोर्ट्रेट रख देते हैं, एंड उसके बाद हम जो ये स्टिकर्स हैं इनको यहाँ पर एक साथ में रख देते हैं, सबको पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम इनको एक साथ में रख देते हैं यहाँ पर, लाइक दिस इज अवर एन आई मर्च, और ऐसे ही पड़े रहें तो सही है, यस ऐसे भी सही लग रहे हैं। सो ये सभी हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो हो चुका है ऑर्गेनाइज, सभी हम आ चुके हैं हमारे सेकंड पोर्शन की तरफ, और ये है मेरी सारी मांगास, और आई कांट बिलीव मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन हो चुकी है मांगास की। सो यस वन बाय वन चलो रीऑर्गेनाइज करते हैं। सो फर्स्ट हम अपनी वन पीस सीरीज़ को रखेंगे, क्योंकि वो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट और फर्स्ट सीरीज़ है, सो दैट्स वाई मैं सबसे पहले वन पीस की सीरीज़ रखती हूँ, एंड यस जल्दी जल्दी से उसको रखते हैं। फोर वॉल्यूम, फिफ्थ वॉल्यूम, सिक्स्थ वॉल्यूम, एंड देन सेवेंथ, एंड देन एट्थ वॉल्यूम, नाइन्थ, ओके नाइन और टेन वॉल्यूम, माई मोस्ट फेवरेट वॉल्यूम, तो जिसमें मैंने फाइट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था, एंड इलेवेंथ वॉल्यूम, ट्वेल्थ वॉल्यूम, ओह माय गॉड, थर्टीन्थ वॉल्यूम जो कि मेरा न्यू वॉल्यूम है, और ये मेरे टू बी रीड में आने वाला है, सो यस दिस माई टू बी रीड मींस टीवीआर, सो यस वॉल्यूम नंबर थर्टीन, ओके ओके यस ओके नाउ वी मूव टू स्पाइक फैमिली। सो स्पाइक फैमिली इज वॉल्यूम वन, माय गॉड वॉइस इज कॉलिंग, वॉल्यूम टू और ये भी होने वाला है मेरा टू बी टीवीआर, सो यस स्पाइक फैमिली वॉल्यूम टू, ओह माय गॉड, ओके देन वी आर गोना गेट टू आवर डेमन स्लेयर, देन वी आर गोना गो विद जुजुत्सु काइसेन, एंड देन वी आर गोना गो विद हाइक्यू, एंड देन वी आर गोना गो विद फ्रेगमेंट्स ऑफ हॉरर, ओके एंड देन वी आर गोना गो विद माय मोस्ट हैवीएस्ट बुक आई वांट टू टॉप एंड क्रीज, ओह माय गॉड, एंड देन वी आर गोना गो विद नारुतो वॉल्यूम टू, एंड देन वी आर गोना गो विद योर नेम, ओके ओह माय गॉड, एंड देन वी आर गोना गो विद नारुतो वॉल्यूम वन, ओह सॉरी वी शुड पुट लाइक दिस वॉल्यूम, ah wait, then we are going to put one in right here, so then we are going to put the Naruto volume 2, Naruto volume 1, oh my god my shelf is just full, and then we also have one novel here, so let me just adjust it into the shelf, oh my god, finally yahan par ho chuke fit and our all shelf is ready, oh my god kitni cute lag rahi hai, and see this, जब हम स्पाइक्स फैमिली को रीड करेंगे सो वी हैव द लॉयड फॉर्जर बुक मार्क विच वी कैन यूज, ओ माई गॉड आई एम सो सो एक्साइटेड, एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ माई शेल्फ, यूहू, और दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।